पीपल, अंकिता किचन टीवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज इस सीरीज के 16th डे पे हम लोग जाने वाले हैं झारखंड की ओर। जी हाँ, और वहाँ के फेमस धुस्का की रेसिपी बनाने वाले हैं। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। तो ये रेसिपी जब मैं बनाई थी ना, तो मैं बहुत डाइसी थी कि पता नहीं उतना अच्छा बनेगा कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मैंने आज से पहले से कभी नहीं खाया था, और जब खाया ना बना के तो सच बताऊं बहुत ही टेस्टी लगा। इसके साथ एक आलू की सब्जी भी सर्व होती है, तो मैंने उसकी भी रेसिपी इसमें डिटेल में बताई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए धुस्का बनाना शुरू करते हैं। धुस्का बनाने के लिए मैं ये आधा कप चावल ले रही हूँ। फिर इसमें हम डाल देंगे ये 1/4 कप चना दाल, और उसका भी आधा ये धुली उड़द जाएगी इसमें। इन सब को हम पानी में ऐसे भिगो देंगे, और कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसको ऐसे ही भीगे रहने देंगे, जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से फूल ना जाएं। 4 घंटे बाद आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें कितने अच्छी तरीके से फूल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 से 2 पानी अच्छे से धो लेंगे। इन सब को हमने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको मिक्सर जार में डाल देंगे। फिर जाएगी इसमें ये हरी मिर्ची और ये अदरक का टुकड़ा। फिर हम इसमें ये 1 कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे और इसको बढ़िया से पीस लेंगे। मेक श्योर करिएगा कि इसको पीसते समय बहुत ज़्यादा पानी भी मत डाल दीजिएगा इसमें। ये देखिए, हमारा बैटर पीस के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, हल्का हल्का दरदरापन है। आपको भी इसको ऐसे ही पीसना है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये सारे बैटर को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्मेंट हो जाने देंगे। तो इसको हम ऐसे एक बर्तन से ढक देंगे, और इसको आप चाहो तो ओवरनाइट या फिर 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से फर्मेंट हो जाने दीजिएगा। गर्मी का मौसम है तो फर्मेंटेशन जल्दी हो जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग आप इसको फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिएगा। ये देखिए, ये बैटर कितने अच्छे तरीके से फर्मेंट हो गया, अपनी क्वांटिटी से डबल हो गया। इसके अंदर कितना ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट हो गया है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया से एक बार अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इसमें सारे सूखे मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाएगा इसमें ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे हम। फिर जाएगा इसमें ये खड़ा जीरा और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सब को हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बैटर मिक्स होके रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को थोड़ा थोड़ा पोर्शन में एक चम्मच में लेंगे और इसको ऑयल में डालते जाएंगे, जैसे हम लोग मालपुआ वगैरह छानते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। जब मैं इसको ऑयल में डाल रही थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था कि इसका शेप बहुत ज़्यादा आड़ा टेढ़ा ना हो जाए, गोल गोल बने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हमने बैटर को थोड़े थोड़े पोर्शन में ऑयल में डाल दिया है। अब हम इसको एक साइड से बढ़िया से पक जाने देंगे, और उसके बाद हम इसको टर्न करके दूसरे साइड से भी कुक कर लेंगे। इन सब को हमने अच्छे से टर्न कर लिया है। मेक श्योर करिएगा कि आप इस चीज़ को जब फ्राई कर रहे हो ना, तो हाई फ्लेम पे करें, क्योंकि हमें इसको एकदम क्रिस्पी नहीं करना है, ये एकदम गूई टेक्सचर का होता है। तो इसीलिए बस एकदम हाई फ्लेम पे दोनों साइड से कुक करें, और ये अभी हल्का हल्का रेडी होगा ना, तभी आप इसको ऑयल से निकाल लें। ये एकदम अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए, धुस्का बनके रेडी हो गया है। धुस्का तो बनके रेडी हो गया है। चलिए इसके साथ सर्व करने के लिए जो आलू की सब्जी हम लोग बनाते हैं ना, एकदम बढ़िया वाली, उसको बना ले। सब्जी बनाने के लिए हम लोग कुकर में ये ऑयल लेंगे। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी ये हींग और खड़ा जीरा। फिर जाएगी इसमें ये, हम 2 हरी मिर्च को ना बीच से ऐसे कट करके लिया है, उसको भी इसमें डाल देंगे। और फिर हम ये डाइस किए हुए प्याज डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को कट करके लिया है। इन सब को हम चला के थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। जैसे ही प्याज हल्के हल्के गल जाएंगे, हम इसमें ये बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन भी डाल देंगे, और इनको भी चला के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये सारी चीजें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। मैंने ये 1 मीडियम साइज के टमाटर को काट के लिया है। फिर हम इसमें ये स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर जाएगा इसमें ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये गरम मसाला, और लास्ट में हम ये लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक ऐसे ही कुक होने देना है, जब तक ये सारे टमाटर बढ़िया से गल ना जाएं और ये मसाले अच्छे से पक ना जाएं। 2 से 3 मिनट तक इनको ऐसे ही पकाने के बाद आप देख सकते हो ये सारी चीजें कितने अच्छी तरीके से भुन गई हैं। टमाटर भी गल गए हैं, मसाले भी आपस में अच्छे से भुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये उबले हुए आलू, मैंने 4 उबले हुए आलू लिए थे, और उनको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में नहीं कट किया है, मतलब बड़े बड़े पीसेस में कट करके इसमें हम डाल देंगे।
आप चाहो तो कच्चा आलू भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मतलब मेरे पास उबला हुआ आलू अवेलेबल था तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से ऐसे मसाले में मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये आलू बढ़िया से ऐसे मसाले में मिक्स हो जाएंगे ना, हम क्या करेंगे इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, जिस हिसाब से आपने आलू वगैरह का मतलब रेशियो रखा है उसी हिसाब से पानी डालिएगा। इन सबको हम एक बार अच्छे से ऐसे चला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसको एक से दो सीटी लग जाने देंगे। क्योंकि मैंने इसमें उबले हुए आलू यूज़ किया इसलिए मैं एक से दो सीटी में इसको पका रही हूँ। अगर आप कच्चे आलू यूज़ कर रहे हो तो आप दो तीन सीटी और लग जाने दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए कुकर की स्टीम खुलने का वेट करेंगे, उसके बाद धुस्का को हम सर्व कर लेंगे। कुकर की स्टीम खुल गई है और ये देखिए सब्जी कितने बढ़िया तरीके से बन के रेडी हुई है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हल्का हल्का पलटे की हेल्प से हम ये आलू को तोड़ देंगे। इसीलिए हमने बड़े बड़े आलू के पीसेस डाले थे ताकि हम बाद में इसको ऐसे ऐसे तोड़ेंगे ना तो जो ग्रेवी होगी वो भी गाढ़ी हो जाएगी और आलू के भी पीसेस छोटे छोटे हो जाएंगे। धुस्का भी रेडी है और सब्जी भी, तो किसका इंतजार है, जल्दी से इसको सर्व करके खाते हैं। सच बताऊं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना। और रुकिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। आप देख सकते हो ये अंदर से कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। इसको हम ऐसे सब्जी में डिप करेंगे और खा के मज़े करेंगे। आई होप मेरी ये झारखंड फेमस धुस्का की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।